निधि बन जा रहे अभी हम लोग। एप्पल के मालिक या फिर व्हाट्सएप के मालिक लोग जो थे उन लोग हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जय भाई हमारे मिसिंग हैं क्योंकि एक्चुअली वो आ नहीं पाए क्योंकि कुछ थोड़ा प्रॉब्लम था। तो इस ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों, और रैंडमली बहुत सी जगह हम लोग, मैं और हमारे एक मित्र हैं, जाने वाले हैं। इस ब्लॉग में बने रहिए और बेहतरीन बेहतरीन आपको ब्लॉग आगे दिखाऊँगा। इस टूर में काफ़ी लंबा सफ़र रहेगा क्योंकि और भी कहीं कहीं जाना है। इस ब्लॉग के बाद नेक्स्ट वीडियो भी बहुत सारे आएंगे, और इस वीडियो में अगर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ज़रूर, क्योंकि छोटे भाई लोग को आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग ग्रो करेंगे। फिलहाल मैं अभी चंडीगढ़ एक्सप्रेस से मथुरा जा रहा हूं दोस्तों। When no one knows how it feels between disasters, it comes and goes, the life of dreams is moving faster. Mathura, the birthplace of Lord Krishna, India के प्राचीन शहरों में से एक शहर यूपी में स्थित, जो ऐतिहासिक रूप से कुषाण राजवंश द्वारा विकसित राजधानी। इससे पहले लॉर्ड कृष्णा के समय से भी पूर्व लगभग 7500 वर्ष पहले का नगर, जी हाँ दोस्तों 7500 वर्ष पहले का नगर, जो यमुना तट पर बसा हुआ है। तो आज का सफर हमारा शुरू हो चुका है दोस्तों। आज हम कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जा रहे हैं, जो आगरा से 50 किलोमीटर नॉर्थ और दिल्ली से 145 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आप यहाँ पे बाय रोड या बाय ट्रेन पहुँच सकते हैं दोस्तों। तो चलिए सफ़र का मज़ा लीजिए हम लोग के साथ। ये मथुरा की गलियाँ आपको काफ़ी रास आएगी दोस्तों। बिहारी मंदिर आप देख सकते हैं हमारे पीछे। हाँ था निधिवन वृंदावन का, वृंदावन जहाँ पे राष्ट्रीला किया करते थे श्री भगवान कृष्ण। तो अभी फिलहाल वहाँ हम लोग जा रहे हैं। राधे राधे। भगवान ने रास लगाया था। हाँ राधे 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 जय कृष्ण गोपी। जैसे कि देख सकते हैं कृष्ण गोपियों का यही वृंदावन है। वन पूरा चारों तरफ को कवर किया गया है दोस्तों, और मार्ग से हम लोग धीरे धीरे दर्शन करते हुए जा रहे हैं आगे। ये निधि वन में कुछ लोग कई बार घुस घास के लुक छुप जाते होंगे, जिसके चलते बांस का लगा दिया गया है गेट। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गोपी रासलीला स्थान यहीं पे है। भोग करते हैं तो माखन भोग लगाते हैं, भोग लगाते हैं।
दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ पे 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण और बलराम अपनी गायों को चराया करते थे। तो सारा बचपन कान्हा का यहीं पे व्यतीत हुआ दोस्तों। 1975 में इस्कॉन सोसाइटी के द्वारा इस मंदिर की नींव रखी गई दोस्तों, और दो साल बाद यह मंदिर 1977 में बनकर पूरा हुआ। काफी बेहतरीन डिजाइनिंग है, देख सकते हैं पूरा ऑल ओवर काफी बेहतरीन लग रहा है दोस्तों। वैसे आप लोग वीडियो में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर। व्यू कैसा लगा देख के ये बताइएगा जरूर कमेंट में। फिलहाल अभी हम लोग आगे प्रेम मंदिर की ओर जा रहे हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। प्रेम मंदिर हम लोग जा रहे हैं फिलहाल। तो अभी हम लोग गाइस प्रेम मंदिर जाने वाले हैं, देख सकते हैं इस चौराहे में टर्निंग है, देख सकते हैं गाइस ये प्रेम मंदिर। एंट्रेंस टाइमिंग ख़त्म हो चुका है, इसके कारण प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया है दोस्तों। फिलहाल हम लोग तो बाहर से ही दर्शन करके जा रहे हैं और आप लोग को भी करवा रहे हैं दर्शन। टाइम अप हो गया है दोस्तों, यही है प्रेम मंदिर। मामा जी तो आज का ब्लॉग कैसा रहा? ये है मथुरा जंक्शन, मथुरा स्टेशन, जब हम लोग घूमने आए थे श्री कृष्ण भगवान का जन्मभूमि तथा उनके अनेकों प्रकार से लीलाएं यहीं पे सब उनका संपन्न हुआ था। मथुरा और वृंदावन नंदगांव सब तो हम लोग घूम फिर के यहाँ से वापस केची धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जो नीम करोली बाबा हैं, जो एक महान श्री राम जी का हनुमान जी का भक्त है, जिनका अनेकों भक्तों पर कृपा रहा। और बताया जाता है कि एप्पल के मालिक या फिर व्हाट्सएप के मालिक इन लोग जो थे, इन लोग के पर बाबा पर आशीष कृपा थे, इन लोग उनसे जुड़े हुए थे और आज हम भी जुड़ने जा रहे हैं, हम भी दर्शन के लिए जा रहे हैं, हर दुखों का अंत करते हैं। नीम करोनी बाबा जैसा कि बाबा ये मेरे नैनीताल में है कैची धाम। जैसा कि दोस्तों मेरे मामा जी ने कहा नीम करोनी बाबा के बारे में कैची धाम हम लोग का नेक्स्ट, फिलहाल अभी वहाँ पे टारगेट है जाने का। वैसे आज का ब्लॉग कैसा रहा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और फिलहाल इस ब्लॉग में कैसा लगा, क्या लगा, नहीं लगा आप लोग को ये कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगा, सुबह से हम लोग भटक रहे हैं। और नेक्स्ट अभी हम लोग का ब्लॉग रहेगा नीम करोनी बाबा के बाद दिल्ली। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा कैसा रहा ये बताइएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग रेलवे स्टेशन आ चुके हैं मथुरा, यहाँ से हम लोग दिल्ली की नैनीताल के लिए हम लोग यहाँ से ट्रेन को अभी पकड़ेंगे, उसके बाद नैनीताल का भी ब्लॉग हम लोग बनाएंगे। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और समाप्त करते हैं वीडियो को। गुड नाइट, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम।